पनवेल महानगर पालिका की दोहरी टैक्स प्रणाली पर कल हाईकोर्ट ने सुनवाई की और दो याचिकाओं को रद्द कर दिया है। इससे बीजेपी और पनवेल महानगर पालिका के अधिकारी उत्साहित हैं, क्योंकि ये मामला बेहद विवादित हो गया था और जिस फंड के जरिए पनवेल मनपा क्षेत्र का विकास होना था, कहीं ना कहीं उसके कलेक्शन में बाधा आ रही थी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कई सीनियर पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, अरेश साबले जी और ब्रजेश पटेल जी और दिलीप जाधव जी। इनसे हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि इन्होंने सवाल उठाया था कि ये जो मामला पूरा विवादित किया गया था, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल एक एजेंडा था, इसमें क्या सच्चाई है, हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, इसका पनवेल मनपा क्षेत्र के रहवासियों पर कितना असर पड़ने वाला है और महानगर पालिका का जो टैक्स है उसके किस तरह से वसूली होने वाली है, क्या वाकई ये जो दोहरी टैक्स जो प्रणाली थी वो सही थी या गलत थी, इसी विषय को लेकर हम इनकी आज राय जानने की कोशिश करेंगे। अनिल साबले जी, बताइए फैसले को आप किस तरह से देखें। जो टैक्स की जो बात थी, अभी टैक्स की बात देखा जाएगा तो दोहरा टैक्स की बात जो ये कर रहे, तो उसलिए हमारे खरगर अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसके लिए दोहरा टैक्स जो सेवा कर जो सिडको ले रही थी उसके लिए हम लोगों ने भी आमदार साहब ने भी उसके लिए हम लोगों ने भी पत्र व्यवहार किया हुआ है। लेकिन जो टैक्स है महानगर पालिका, अगर टैक्स नहीं देंगे तो महानगर पालिका चलेगी कैसे, महानगर पालिका चलेगी कैसे। लेकिन जो कहा जा रहा है कि ये दोहरा टैक्स है, क्योंकि सिडको यहाँ पर विकास किया है और वहां पर महानगर पालिका कोई सेवा सुविधाएं नहीं देती है, इसलिए वो उसको टैक्स या दूसरी चीजें वसूलने का अधिकार नहीं है। ऐसे में जब दोनों टैक्स वसूलेंगे तो ये गलत क्यों नहीं है? ब्रजेश जी, किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि लीना गरड़ ने जो मुद्दा उठाया वो मुद्दा गलत था और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड था? मैं खरगर की जनता को यही सच्चाई बताना चाहता हूँ कि एक खुद की राजकीय एजेंडा के लिए जब भी पनवेल महानगर पालिका के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के अधिनियम के हिसाब से जब प्रॉपर्टी टैक्स शुरू किया गया तो उनको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने के बाद वो किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करके अपना राजकीय एजेंडा चलाए, इसके लिए ये काम किया वो लोगों ने। लोगों को गलत तरीके से भ्रमित किया गया कि हमें टैक्स नहीं भरना है, हम टैक्स माफ़ करवाएंगे, ऐसा बोल बोल के वो लोगों का बड़ा नुकसान हुआ कि जिनके पास टैक्स भरने के लिए पैसे की व्यवस्था थी और इनके बातों में आके वो लोगों ने पैसा नहीं भरा और उनको जो छूट मिलने वाली थी, जो उनको 17% प्लस 2% यानी ऑनलाइन भरेंगे तो 2% ऐसा 19% का उनको फ़ायदा मिल रहा था, मगर ये लोगों ने उनको समभ्रम में डाल के हुए वो लोग टैक्स नहीं भर पाए। आज देखेंगे वो बोल रहे थे कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे, चुन के आएंगे, ये गलत है, ऐसा है। आज कोर्ट ने भी संविधान के हिसाब से डिसीजन लिया है और उनकी जो याचिका थी वो खारिज की है। आज उनका चेहरा खुला हो गया है, लोगों को पता चल गया है कि हमने गलती की इनके बातों में आके, मगर हमको सही समय में अगर ये लोग भाजपा वाले जो समझा रहे थे, अगर सही समय में हम लोग टैक्स भर देते तो हमको ये छूट मिलने वाली थी, उसका भी हमको आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं ये संस्था को बोलना चाहता हूँ कि आपके कारण हमारी खारगर की जनता को जो नुकसान हुआ है वो आप भरपाई करेंगे क्या? खारगर की जनता को संस्था के पास जाके ये बोलना चाहिए कि हमें जो नुकसान किया है हुआ है वो आप भरपाई कीजिए। ब्रजेश जी, एक जो इम्पोर्टेंट इसमें बात जो खुलकर आ रही है कि जनता भी नाराज है, महानगर पालिका के दोहरे कर प्रणाली से नाराज थी, सिडको की सेवाओं से नाराज है, तो आपको नहीं लगता एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते कि जब सेवाएं ठीक नहीं है, जब सर्विसेज ठीक नहीं है, तो उसके बदले में क्यों पैसा टैक्स भरना चाहिए? ये आपको नहीं लगता जनता इससे नाराज है तो जनता की नाराजगी सही है? डबल टैक्सेशन में देखा है कि पहले के मुख्यमंत्री ने भी डबल टैक्सेशन खत्म हो इसीलिए सिडको को आदेश किया था कि जो भी सेवा है जल्द से जल्द आप महापालिका को हस्तगत करें, मगर इसमें सिडको के द्वारा देरी हो रही है। सिडको का भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है कि जब तक वो पूरी सेवा अगर हस्तगत नहीं कर पा रहे हैं तब तक जो सेवा दे रहे हैं तो उनको भी एक ऑडिट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल रीजन के कारण इसमें देरी हो रही है। अभी एक नई जागरूक सरकार आ चुकी है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में एक नई सरकार में हम अपने सरकार के पास जाएंगे और ये जो प्रश्न हमको सता रहा है उसका जल्द से जल्द निवारण हमारे विधायक प्रशांत ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे, जल्द से जल्द निवारण करेंगे। दिलीप जाधव जी, तो जो फैसले की उम्मीद कर रही थी खारगर और पनवेल मनपा क्षेत्र की जनता, उससे उसको निराशा हुई है, क्या कारण आप मानते हैं कि इसका समाधान नहीं हो पा रहा है? कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही याचिका थी, अगर वो जानते हैं लीगल क्या है, ऐसे नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनके जो वकील है उन्होंने भी उनको कहा होगा कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड करके ये याचिका दायर करने के बाद भी वो याचिका बहुत ज़्यादा देर तक चलाई और उसका रिजल्ट जो आया है
जो आने वाला था वही रिजल्ट आया है। सब हम लोग को मालूम था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये खाली टाइम पास हो रहा है, और जितने इलेक्शन आने वाले हैं उसमें ये मुद्दा बनाने का कोई रीज़न होगा, इसलिए वो याचिका में चले गए हैं। अभी फैसला तो आ गया है, अभी फैसले के बाद में जो भी कोर्ट ने कहा है उसके आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि अगर लोगों की जो मांग है उसके ऊपर दोबारा विचार हो जाएगा, पर्टिकुलरली जो सर्विस टैक्सेस है वो जो दुगना टैक्सेस बोल रहे हैं उसके ऊपर ज़रूर हमारे विधायक जी है करेंगे, और उसके बाद से जो राहत मिलेगी वो तो हमको चाहिए, और वो लोगों को मिलने वाली है। जो राहत मिलनी चाहिए वो मिलना ही चाहिए। किस तरह से प्रयास होगा ब्रजेश जी, क्योंकि आप खुद भी स्वीकार कर चुके हैं कि कुछ खामियां जरूर हैं, विधायक जी भी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ खामियां जरूर हैं सिडको और महानगर पालिका के आपसी समन्वय को लेकर, चूंकि दो प्राधिकरण काम कर रहे हैं, तो इन दो प्राधिकरणों से पनवेल क्षेत्र की जनता मुक्त हो, सिंगल टैक्स भरे, इसके लिए प्रयास किस तरह के होंगे भारतीय जनता पार्टी? जल्द ही हमारे उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी फडणवीस जी, जिनका मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल हमने देखा है, बहुत सारा उनका अनुभव है, तो उनका अनुभव का फायदा जरूर हमको ये विषय में मिलेगा। एक समय में जो अपनी महानगर पालिका बिल्डिंग के भूमि पूजन में जब हमारे उप मुख्यमंत्री जब विरोध पक्ष में थे देवेंद्र फडणवीस जी, तभी उसने बुलाया था कि जब भी कोई महानगर पालिका का गठन होता है तभी वो कार्य करते करते 2-3 साल चले जाते हैं, तो वो 2-3 साल में एक अपना टैक्स इकट्ठा हो जाता है, तभी ये हर महानगर पालिका को ये समस्या से गुजरना पड़ता है। पर जरूर उसने आश्वासन दिया है कि हम ये अपने प्रधानमंडल के माध्यम से उसका जल्द से जल्द निवारण करके लोगों को किस प्रकार से राहत मिले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं अनिल साबले जी, आपने एक आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं जो फोरम है वो फोरम लोगों को बरगलाने का काम करता है, फोरम बरगला रहा है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, अब जनता को कैसे समझाएंगे? नहीं, जनता को मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जो लीना गरड़ मैडम है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुन के आई, जब उनको महिला बाल विकास कल्याण का मंत्रालय उनको जो विभाग मिला, उसके बाद में महापौर का चुनाव था, उस महापौर के चुनाव में उनको सीट ना देने के वजह से उन्होंने ये मुद्दा उठाया। क्या इसके पहले उन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अच्छा, जब मुद्दा उठाया तो वो जनता के जान पर खेलने का जो मुद्दा उठाया उन्होंने, एक खारगर की जनता के साथ में जो घिनौना चाल उन्होंने खेली है, और अपना खुद का टैक्स यहाँ के जनता से कार्यकर्ताओं से 100-100 रुपया 200-200 रुपया जमा करके अपना खुद का टिकट मिलने के लिए हमारे खुद का घर का, अभी मैं यही कहना चाहूँगा जो याचिकाकर्ता है उनसे कि क्या आप हमारे खारगर के जनता का जो पेनल्टी था 19% पेनल्टी जो हमारे को देने वाले थे, और अभी जो आगे जो दिन बढ़ने वाले हैं वो क्या कॉलोनी फोरम संस्था ये भर के दे? अनिल साबले जी, ये सवाल ये जवाब हो चुका है, सवाल भी हो चुका है, मैं ये चाहता हूँ जानना आपसे जनता को कैसे समझाएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे कि जनता को टैक्स से राहत भी मिले और जो उसके बीच में भ्रम है वो भ्रम भी दूर हो? नहीं, हमारा जो एमएलए साहब है इसके ऊपर पूरी तरह से जो दोहरा टैक्स है, जो सिडको के टैक्स के बारे में अभी जो सरकार हमारी जो आई है देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी है उनके माध्यम से वो दोहरा टैक्स का जो विषय है वो विषय हमारे आमदार साहब पूरी तरह से पहले से वो लगे हुए हैं, लेकिन समाधान कारक वो जनता को न्याय दिला के रहेंगे। ब्रजेश जी क्या कहेंगे आप, कैसे आप समाधान दिलाने का प्रयास करेंगे, जागरूक कैसे करेंगे कि ये जो भी पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो या जो भी लीगल जो ये जो विवाद खड़ा हुआ है इससे कैसे बाहर निकले, जनता कैसे सही तरीके से समझ पाए कि जो टैक्स है उसका वो वाजिब है और उसे देना चाहिए? हम लोग पहले से लोगों को जन जागृति करते आए हैं, मगर ये लोगों ने भ्रमित करते हुए लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया। हम जब देर आए दूरस्थ आए, अभी भी हम लोग लोगों के बीच में जाके लोगों को किस प्रकार से इंस्टॉलमेंट मिले और सरलता से उनको टैक्स में माफ़ी मिले ऐसा प्रयास करते हुए लोग टैक्स भरना, काफ़ी लोगों ने तो टैक्स भर चुके हैं खारगर, जिनको सही में पता था, जो इन लोगों की बातों में नहीं आते हुए बहुत लोगों ने टैक्स भर दिया है, पर जो लोग नहीं भर पाए हैं, जानकारी जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होगी इसलिए नहीं भर पाए होंगे, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो उनको भी कुछ सहूलत मिले ऐसा हम लोग हमारे माध्यम से प्रयास करने वाले हैं। और इस प्रकार से ये जो मुद्दा है जिसको ये लोगों ने पॉलिटिकल मूव किया था उनको जल्द से जल्द हम लोग निवारण करेंगे। दिलीप जाधव जी क्या कहेंगे, आखिरी क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि जनता समझदार बने, जनता जागरूक बने और उसको राहत भी मिले? जनता को तो ये तो मालूम है
कि डेवलपिंग अथॉरिटी है जो सिडको है वो खाली डेवलपमेंट करती है, वो आपको सुविधा नहीं देती। जब तक डेवलपमेंट चालू है तब तक वो कोई सुविधा देगी। आप अगर जानिए कि दो साल पहले हमने कचरा का जो मुद्दा उठाया था वो पूरा पूरा कचरा हमारे इधर हैंडओवर हो गया है, और आज आप देखेंगे खारघर में आप कहीं भी कचरे का डिब्बा भर के बह रहा है, ऐसे किधर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब जो होगा वो टैक्स की वजह, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक ही सोर्स है, वो है प्रॉपर्टी टैक्स, और दूसरा वहाँ उनको सोर्स नहीं है। जनता को राहत कैसे मिले? नहीं, उसके लिए तो हमारे जो विधायक जी, जैसे अनिल सामने साहब ने बोला, हमारे अध्यक्ष जी ने बोले कि इसके राहत के हम लोग उसके ऊपर आमदार जी है, हमारे उप मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है इनके साथ में हम लोग अर्जी करेंगे और उसी हिसाब से हमको टैक्स के डेटी मिले। बैठ में आगे पहल करेंगे। मैं आखिरी सवाल पर आना चाहता हूं और ब्रजेश जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि महानगर पालिका में आप प्रशासक हैं, कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है, तो ऐसे में फैसला होने में देर है जब तक कि नई महानगर पालिका कार्यकारिणी नहीं बनती है, और इन दोनों याचिकाकर्ताओं को नए सिरे से केस दर्ज करने के लिए, जनहित याचिका दर्ज करने के लिए कोर्ट ने पूरी छूट भी दी है, मतलब सुझाव भी दिया है, ऐसे में आपको लगता है कि आने वाले समय में विवाद और गहरा सकता है? नहीं, अभी तो मैं तो बोलता हूँ ये विवाद का खत्म हो चुका है, खत्म हो गया है, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो उनको मिला नहीं, क्योंकि कोर्ट में जो संविधान है वो हिसाब से निर्णय लिया है। ये मुद्दा ऐसा है कि वो लागणी से नहीं चलता है, आपको संविधान से चलना पड़ता है, तो उसमें मैक्स टू मैक्स अपने जो अधिकार है कमिश्नर के जो पावर्स है उनके लेवल तक और मंत्रालय लेवल तक क्या हो सकता है उसका पूरा अभ्यास करते हुए जल्द से जल्द इसका निवारण हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरा काम करने वाली है। इसलिए मैं हर खारघर की जनता को और महापालिका की सभी जनता को विनती करता हूं कि किसी की बातें मत आइए, आप टेक्निकल मुद्दे के ऊपर अभ्यास कीजिए, जहां जरूरत पड़े हमें हमारा अभिप्राय लीजिए आप, तो आपको सही बताएंगे कि किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। जहां है हर समस्या का समाधान होता है, ऐसा नहीं है कि पनवेल महानगर पालिका पहली महानगर पालिका है, बहुत सारी महानगर पालिका बनी है, ये मुद्दा आया है और उसका सोल्यूशन हुआ है, बस उसी प्रकार से ये महापालिका भी हम लोग मुद्दा को निवारण करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपने सुना कि ये बीजेपी के सीनियर पदाधिकारी जो खारघर क्षेत्र के हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये मामला उठाया गया था ये कहीं ना कहीं चुनावी मामला था, पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला था, हालांकि ये मामला सर्विस टैक्स का था, और जैसा कि इन्होंने विश्वास भी जताया है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर खारघर और पनवेल मनपा क्षेत्र की जनता को दोहरे टैक्स से राहत मिलेगी और जो एक्चुअल टैक्स है वही भरने के लिए उनको मोहलत भी मिलेगी। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।